हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मिराज। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले पैंट की कटिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास जो साइज है, ये हमारे पास साइज है लेंथ 34 है, कमर 41 है और थाइस 28 है और मोहरी 12.5 है और जैसे कि चेस्ट इनका 43 है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो ये साइज है और प्लस जो मैं कटिंग करूँगा, किस हिसाब से कटिंग करूँगा। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहे, वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि मैंने एक कपड़ा बिछाया हुआ है, सबसे पहले मैंने नीचे निशान लगाया है, ये हमने सीधा करने के लिए लगाया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये नीचे 3 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमारा फोल्ड के लिए कपड़ा हो गया, ये हमारी मेन लेंथ है। तो जैसे कि लंबाई हमारी दोस्तों 34 इंच है, तो हम ये 34 इंच यहाँ पर रखेंगे और इसे हम सीधा करके निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम जो भी लेंथ है उसे हम 1.25 इंच पहले रोक लेंगे, क्योंकि 1.25 इंच के ऊपर बेल्ट होती है। तो हम ये 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे तो हमारी 1.25 इंच की बेल्ट आ जाएगी। तो हमने 1.25 इंच पहले निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है, अगर 40 है तो 40 तक आप 10 इंचज़ का आप आसन ले सकते हैं। अभी हमारा 40 से ज़्यादा है तो हम जो है थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, तो हम 10.5 11 निशान लगा लेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें 34 पे ही रखना है ऐसे नीचे पे, जो इसका घुटना है। घुटना दोस्तों जब भी आप रखते हैं मान लीजिए, तो उसका हाफ कर दें और प्लस 2 इंचेस प्लस कर दें। तो जैसे कि हमारा ये 34 है, 34 का आधा 17 और 17 2 19, तो ये आपका घुटना निकल जाएगा। और जब भी आप पिंडली रखते हैं मान लीजिए, जो पिंडली होती है आपकी, तो पिंडली हमेशा इससे अराउंड 10 इंच ऊपर होती है। तो हम ये 10 इंच ऊपर ही पिंडली का निशान लगा लेंगे। काफ़ी लोग आपको इन चीज़ों का नहीं बताते हैं, जस्ट थाइस और मोहरी बताते हैं। ये हम जस्ट रेफरेंस के लिए रखते हैं, क्योंकि कई लोगों के पैर थाइस और मोहरी के अलावा किसी के बीच में से पैर मोटे होते हैं और किसी किसी के बीच में से पैर पतले होते हैं। तो ये हमारे रेफरेंस के लिए काम आता है। थाइस जैसे दोस्तों हमारी 28 इंच है, तो 28 इंच में हम हमेशा जब बॉडी साइज लेते हैं तो बॉडी साइज में हम सिर्फ थाइस में 2 इंच की लूजिंग डालते हैं। तो 28 में 2 इंच में प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा। बट आगे का पल्ला हम जो लूजिंग देंगे हम सिर्फ पीछे वाले पल्ले में देंगे, आगे के पल्ले को हम उतना ही कटिंग कर लेंगे। तो 28 का आधा 14 हो जाएगा, तो हम ये 14 पे निशान लगा लेंगे और ये 7 पे निशान लगा लेंगे और ये 1 पे निशान लगा लेंगे। अब जो भी हमारा ये साइज़ बैठा है मान लीजिए किनारे से 8 इंच पे है, तो हम ये सारी जगह पर 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये दोस्तों हमारा सेंटर हो गया पैंट का। अब हमने जैसे ये रख दिया है, अब हम मोहरी रखेंगे। तो मोहरी जैसे कि हमारी 12.5 है, तो आगे का पल्ला हम 5 इंच 5.25 रखेंगे और उसके बाद हमारी ये जो पिंडली है, पिंडली हमारी 20 इंच है, तो 20 इंच में हम 2 इंच घटा के 18 का आधा 9। उसके बाद हमारी ये चीज़ घुटना 22 इंच है, तो 22 इंच में 2 कम करेंगे 20 का आधा 10। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही, ये हम जस्ट रेफरेंस के लिए रख रहे हैं। जो हम स्केल का शेप देंगे, जो इस पट्टी से हम शेप देंगे, तो ये हमारी ये शेप देने में हमें आसानी करेगा। तो हम इसको शेप देने की कोशिश करेंगे अब। तो ये आप देख सकते हैं, हम यहीं से स्केल उठाएंगे और ऐसे रख देंगे और इसको नीचे मिला देंगे। अब आप देखें, हमारा घुटना बिल्कुल ठीक था, पिंडली हल्की सी लूज ली थी, तो वो हमारी टाइट हो गई है। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। साइज के हिसाब से इसको सीधा ऐसे आसन का निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से 1/2 इंच डाउन देना है और 1/2 इंच डाउन देने के बाद हमें कमर लेनी है। तो कमर जैसे कि 41 है, तो 41 का चौथा हिस्सा 10.25 और 1.5 इंच की हम डॉट डालेंगे तो 12.5। अब हम इस निशान को इसमें मिलाएंगे। इस निशान को जब भी आप मिलाते हैं तो ये जब आपका निशान आता है तो ये चीज़ थोड़ा सा मैच करना चाहिए। सिर्फ आप इसमें ऐसे ना मिलाएं, फिर यहाँ पे झोल आने लगेगा और यहाँ चोंच निकलेगी। तो उसको स्मूथ रखने के लिए आपको जो ये पिंडली और ये पिंडली घुटने वाला शेप है, ये आप सीधा लेके जाएं। उससे क्या होगा, साइड आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। तो ये देखें, ये हमारा इतना फालतू था, वो हमारा कोना निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, ये डाउन दे देंगे, आसन की शेप दे देंगे, हमारी पूरी मार्किंग हो गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, इधर हम ये इतना मार्जिन देने वाले हैं और इधर हम इतना ही मार्जिन देने वाले हैं। तो अब हम इसे कट कर लेंगे।
जैसे कि हमारी ये डॉट है तो हम यहाँ पे डॉट का निशान लगा लेंगे, ये हमें 3.5 इंच देना है और डॉट हमारी 1.5 इंच की थी तो हम 1.25 इंच की कर देंगे। और यहाँ पे हम कमर भी लिख लेंगे, तो जैसे कि 41 है तो 41 के हिसाब से 20.5 आगे का पल्ला आएगा और 16 इंच हम पीछे इलास्टिक दे देंगे। तो ये चीज़ हमने लिख दी है, अब हमारे इसका काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बैक के लिए हम बिछाएंगे। तो बैक के लिए हम क्या करेंगे, इसे ऐसे उठा के हम इसे पलट देंगे ऐसे। अब हम इस पे जो है इस कपड़े को बिछाएंगे ऐसे, किनारे से तो हम मिला ही लेंगे, ये आप देख सकते हैं हमने इसे बिछा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके सीधे निशान उठा देंगे। यहाँ पे हमने 1.25 इंच छोटा काटा था क्योंकि हम 1/2 इंच मार्जिन लेंगे और 7 इंच की बेल्ट लगाएंगे, तो हमारी लेंथ यहाँ फाइनल होगी। तो हम एक यहाँ निशान लगा लेंगे। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए इसके हिसाब से ये हमारा ये जो मान लीजिए 11:15 है, तो हम एक ये 11:15 पे ऐसे निशान लगा रहे हैं ये। और उसके बाद क्या करना है, हमें इससे कम से कम 1.5 इंच ऊपर उठाना है ऐसे ऐसे, क्योंकि बैक का पल्ला हमेशा अप किया जाता है। और उसके बाद हम ये मार्जिन भी मार्जिन का निशान लगा लेंगे, ये देखें। तो ये हमारा काम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आगे का पल्ला हमारा 13.25 इंच आ रहा है, तो हमें 13.25 को ऐसे खींचना है, ऐसे इंची टेप खींचना है, 30 रखना है, तो हम 30 को रोक लेंगे जहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। यहाँ पर 13.25 आया, हम 13.25 पे यहाँ निशान लगा लेंगे। मोहरी हमारी 12:30 है, तो आगे का पल्ला 5.25 आया, 5.25 को हम ऐसे खींचेंगे, 12:30 पे रोक के ऐसे निशान लगा लेंगे। ये चीज़ हमारी जैसे कि 20 इंच है, तो ये तो हमारा जस्ट रेफरेंस था, तो हम इसको ऐसे निशान लगा लेंगे। बट ये हमारे ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, बट जब हम शेप देंगे तो उसमें हम इसके हिसाब से ही देंगे। पल्ला हमारा 10 आ रहा है, ये हमें 22 रखना है, तो हम ऐसे निशान लगा लेंगे। अब हम इसको शेप पट्टी की मदद से इसको शेप दे देंगे। तो हिप जैसे कि दोस्तों इनकी 44 इंच है और जो आगे का पल्ला आ रहा है 11:30 आ रहा है, 44 में हमें 4 इंच लूजिंग डालनी है, तो 4 इंच का मतलब ये हो गया हमें 24 देना है। तो यहाँ पे देखिए 24 आ गया है। उसके बाद हम इसमें ऐसे मार्क कर देंगे और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। फिर हमें इसकी शेप दे देनी है। हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसे कट करेंगे। जैसे कि मैंने ये कटिंग करके आपको दिखाया है, कैसे कैसे मैंने कौन कौन से तरीके से आपको समझाया है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, नॉलेजबल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम मिलते हैं नई वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।